हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन की डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एडवोकेट एज वेल अ लेमैन आल्सो। एडवोकेट के साथ साथ एक लेमैन के लिए भी ये सेक्शन 41 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर ऑलरेडी बने हुए हैं, यहाँ की वीडियोस देखते हैं, तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 41। सो फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 41 जो है, इसके साथ आपको 41A, 41B, 41C एंड 41D को भी पढ़ना पड़ेगा। सो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी 41, 41A, 41B, 41C एंड 41D। ये सारी प्रोविजंस को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि एक भी प्रोविजन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 41। सो फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 41 इज सेइंग व्हेन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट यू इवन विदाउट द वारंट। कब एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सेक्शन के प्रोविजंस हमें क्या बता रहे हैं कि कब कब एक पुलिस ऑफिसर अपनी इस पावर का यूज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में बहुत से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको कवर करने को मिलेंगे इसमें। तो चलिए जल्दी से जाके अपने बेरेट्स को अपने हाथ में ले लीजिए और हम इस प्रोविजंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के सामने कर रहा है और वो एक ऑफेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था फर्स्ट सिचुएशन। अब चलते हैं सेकंड सिचुएशन की तरफ। सेकंड सिचुएशन बात कर रही है कि जब किसी पुलिस ऑफिसर को कोई रीजनेबल कंप्लेंट आ रही है या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आ रही है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और कंप्लेन के अलावा उसे कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन हो रहा है या कोई सस्पिशन हो रहा है कि भाई ये एक ऑफेंस है, ये अपने आप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये ऑफेंस इस व्यक्ति द्वारा होने वाला है। तो जब किसी अक्यूज्ड से उस ऑफेंस से करने की एप्रीहेंशन हो, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई रीजनेबल कंप्लेंट हो, या फिर उस कंप्लेंट उस एप्रीहेंशन के अलावा उसके ऑफेंस कर देने की कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सप्लाई हो रही हो, उस सिचुएशन में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भाई उसका ऑफेंस को रोकने के लिए उसे अरेस्ट करना इज नेसेसरी, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसके होने का कह लो एप्रीहेंशन हो रहा है या जिसकी कंप्लेंट आई है, उस ऑफेंस की सीरियसनेस इतनी है कि उसकी जो पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा या 7 साल से कम नहीं है, इन दिस सिचुएशन पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट अ पर्सन ऑन रीजनेबल एप्रीहेंशन, ऑन रीजनेबल कंप्लेंट एंड ऑन सस्पिशन। ही कैन अरेस्ट अ पर्सन दैट इज अबाउट टू डू एन ऑफेंस दैट इज कॉग्निजेबल इन नेचर एंड हुज पनिशमेंट इज एक्सीडिंग 7 ईयर्स और टिल 7 ईयर। तो इस सिचुएशन में अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि भी उसका अरेस्ट करना जरूरी है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में बाधा न डाले, वो किसी एविडेंस को नुकसान ना पहुंचाए और वो ऑफेंस कर ना दे, इन तीन चीजों को रोकने के लिए जो है पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, एक प्रोविजो भी दे रखी है इस सिचुएशन के साथ। वो प्रोविजो ये बात कर रही है कि अगर इन केस इन सब चीजों के होने के बावजूद कोई पुलिस ऑफिसर पर्सन को अरेस्ट नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर हैज टू रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग कि भाई वो उस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है। इस चीज की स्पेसिफिकेशन उसको राइटिंग में देनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिचुएशन है, जैसे कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, आर्म फोर्सेस को डिजर्ट करके आया हुआ है, या फिर उसके पास कोई ऐसी चीज मिली है जो स्टोलन है या सस्पिशियस है। कोई सस्पिशियस चीज का पोजेशन अगर उसके पास है तब भी आप उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वो कोई ऐसा पर्सन है जिसे बेल पर छोड़ा गया है और बेल की टर्म्स एंड कंडीशन वो फॉलो अप नहीं कर रहा, अगर उसने बेल की किसी भी प्रोविजंस को ब्रीच किया है, उस सिचुएशन में भी आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। या फिर वो पुलिस ऑफिसर को उनकी ड्यूटीज परफॉर्म करने से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उस सिचुएशन में भी आप उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, दीज वर सम ऑफ द कंडीशंस कब जो है एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकता है। और इसका सबसेक्शन 2 जो है वो बस इतनी सी सब्जेक्शन लगा रहा है, कंडीशन इम्पोज कर रहा है, वो बस इतनी सी बात कह रहा है कि भाई अगर कोई ऑफेंस इसी जो आपने सिचुएशंस कवर की है, ये तो सारी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रही है, अगर यही चीज़ कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करेगी तो भाई उसमें आप किसी को ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते, उसमें आपको वारंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 41। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 41A की। सो ये बात कर रहा है नोटिस के बारे में, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बाय पुलिस ऑफिसर। सो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो 41 में अरेस्ट नहीं कर रहा है, उसे जरूरी नहीं लगता कि 41 के अंदर इस पर्सन का अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन स्टिल वो पर्सन जो है वो शक की नजर में है, उस सिचुएशन में क्या होगा, सेक्शन 41A का नोटिस उस व्यक्ति को सप्लाई किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर विल सप्लाई द नोटिस टू दैट अक्यूज्ड कि भाई इन फ्यूचर या इस
ऑफेंस के लिए या इस चीज में हमें सस्पिशन है कि आप इन्वॉल्व है, आपकी इन्वॉल्वमेंट लग रही है उस सिचुएशन में, हम अगर आपको इन्वेस्टिगेशन के बुलाना चाहें, यू हैव टू अपीयर. सो अंडर दिस सेक्शन पुलिस ऑफिसर मे डायरेक्ट दैट पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम एनी टाइम एनी डे एनी प्लेस whichsoever is being decided by police officer द्वारा डिसाइड किए हुए डे टाइम और प्लेस पे उस व्यक्ति को अपीयर होना जरूरी है. अगर सो फ्रेंड्स 41A के नोटिस के सप्लाई होने के बाद वो नोटिस के साथ कंप्लाई करना कि उसकी ड्यूटी होगी, और अगर वो नोटिस के टर्म्स एंड कंडीशंस का कंप्लाई कर रहा है तो फाइन, वो अरेस्ट नहीं होगा. लेकिन अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा, पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि इसे अरेस्ट करना जरूरी है, वो अरेस्ट कर सकता है उसके बाद में. लेकिन अरेस्ट करने के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के पास जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, और मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद अगर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन का कंप्लाई नहीं कर रहे तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 41A जिसमें हमने बात की नोटिस की. नोटिस अप्लाई करेगा पुलिस ऑफिसर के भाई आके अपीयर हुई है, हमारे साथ कॉपरेट करिए इन्वेस्टिगेशन में, अगर नहीं करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा. ना 41B की अगर हम बात करें तो 41B जो है प्रोसीजर बता रहा है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा. अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको 41B के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग में ही अरेस्ट किया जाएगा. सबसे पहले तो प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जिस पर्सन के अरेस्ट वारंट निकले हैं, ये जिस पर्सन को अरेस्ट करना है ये पर्सन वही है. आप गलत व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करके ला सकते. सो उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन का पहले नकी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी वेरी मच श्योर कि आप इस पर्सन को ही अरेस्ट कर रहे हैं जिसके अरेस्ट वारंट निकले हैं. और आइडेंटिफिकेशन के बाद पुलिस ऑफिसर विल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट. जिस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में क्या किया जाएगा, उस मीमो में जो है वो किसी फैमिली मेंबर के सिग्नेचर लेंगे एज विटनेस. जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसी किसी फैमिली मेंबर का सिग्नेचर वहां पे जरूरी है एज विटनेस कि भाई हम इस व्यक्ति को लेके जा रहे हैं और ये वही व्यक्ति जिसके अरेस्ट वारंट निकले हैं. अगर कोई फैमिली मेंबर मौजूद नहीं है तो आसपास की लोकेलिटी में कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन है उसके साइन यहाँ पे एज विटनेस चल सकते हैं. और विटनेस के साथ साथ जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके काउंटर साइन होने भी बहुत जरूरी है. सो जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं उसके भी साइन होने जरूरी है कि भाई तुम्हें बता दिया गया कि तुम्हें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और ये तुम ही हो जिसके लिए अरेस्ट वारंट निकले हैं और अब हम तुम्हें अरेस्ट करने वाले हैं. इस सबकी पुष्टि जो है वो उसके साइन द्वारा कर दी जाएगी. और लेकिन ये मेमोरेंडम साइन होने से पहले उस अरेस्ट होने वाले व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करने का जो राइट है उसको जरूर दिया जाएगा. सो ये तो बात थी सेक्शन नंबर 41B की, कैसे आप अरेस्ट को है कंडक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज 41C. 41C बस कुछ नहीं, इतनी सी बात बोल रहे हैं कंट्रोल रूम्स जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए. हर गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम्स बनाए और उस कंट्रोल रूम्स में पुलिस हेडक्वार्टर्स द्वारा जो भी लिस्ट होगी, जो भी पर्सन अरेस्ट हुए हैं, जिन्हें पुलिस ऑफिसर ने भी वो पर्सन अरेस्ट किए हैं, उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो डिस्प्ले बोर्ड में वहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा. तो ये तो बात थी सेक्शन नंबर 41C की. नाउ कमिंग टू 41D. 41D इज टॉकिंग अबाउट द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन. अगर पर्सन को 41B के प्रोसीजर से अरेस्ट कर लिया गया है तो उस पर्सन को एक राइट मिलेगा, दैट इज राइट टू मीट हिज एडवोकेट. इंटेरोगेशन के दौरान उसे अपने एडवोकेट से मिलना अलाउ कर दिया जाएगा. सो ही हैज अ राइट टू मीट हिज एडवोकेट. उसे एडवोकेट से मिलने से पुलिस ऑफिसर नहीं रोक सकता. सो फ्रेंड्स ये था पूरा सेक्शन नंबर 41 जिसमें हमने 41, 41A, B, C, D सबको कवर किया. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर क्वेरी एज वेल.